Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, टॉप 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कथित अस्पताल घोटाले की रिपोर्ट LG को भेज दी है। रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी को तुरंत हटाने और सस्पेंड करने की मांग की गई है। दिल्ली NCR में ठंड ने दस्तक दे दी है। कोहरे और धुंध की दोहरी मार से दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली NCR की आबो हवा अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। उत्तरकाशी सिलवेरा टनल हादसे को 6 दिन पूरे हो गए हैं। 40 लोगों के रेस्क्यू का कार्य प्रगति पर है। अमेरिकन तकनीकी की ऑगर 2 मशीनों से ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों और पंजाब के DGP के सख्त आदेशों के बावजूद पंजाब में लगातार जल रही पराली के मामलों को लेकर पंजाब पुलिस के आला अधिकारी अब सख्त हो गए हैं। फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में 6.7 तीव्रता के भूकंप से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं। पालघर के नाला सोपारा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक हैवान पिता ने ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित अपनी बेटी को बंधक बनाकर अपने घर में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इजरायली रेड में गाजा के अल शिफा अस्पताल में भारी तबाही मची हुई है। ICU में भर्ती सभी मरीजों की मौत हो गई है। मानवीय सहायता के बीच इजरायली सरकार ने गाजा को नियमित ईंधन आपूर्ति को मंजूरी प्रदान कर दी है। रफा क्रॉसिंग के जरिए शुक्रवार को 2 ईंधन टैंकर गाजा में प्रवेश किया। यूक्रेन युद्ध का विरोध करने पर रूसी महिला कलाकार को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 14 साल की एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भरतपुर और नागौर में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर जाएंगे। वह होशियारपुर में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। JDS के वरिष्ठ नेता CM इब्राहिम को बड़ा झटका लगा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। शाह गढ़वाल, नलगोंडा और वारंगल में चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के 3 नेता आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे और सचिन अहिर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुंबई के NM जोशी पुलिस स्टेशन में तीनों नेताओं के खिलाफ IPC की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और विनायक राउत राष्ट्रपति द्रौपदी से मुलाकात करेंगे। बांद्रा के गजधर रोड इलाके में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 5 लोग घायल हो गए हैं। 5 घायलों को इलाज के लिए भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवी मुंबई के लोगों के लिए बड़ी खबर है। सालों के इंतजार के बाद आखिरकार नवी मुंबई में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। रालीगढ़ सिद्धि से अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसमें देश भर के सैनिक शामिल होंगे। टाइगर 3 को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा सीक्वल है। इससे पहले एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है भी रिलीज हो चुकी है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप बने रहिए दिन भर की ताजा तरीन खबरों के लिए BCN न्यूज के साथ।